सतर्कता के कारण ये दुर्घटना नहीं हुई। ये धमाका हाल ही में अहमदाबाद से शुरू किए गए असरवा उदयपुर एक्सप्रेस के गुजरने के कुछ घंटे पहले हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का उद्घाटन किया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मुसलमानों का प्रवेश रोकने की मांग करने वाली याचिका सुनवाई हो योग्य है या नहीं, इस पर फैसला सुना सकती है। याचिका में परिसर हिंदुओं को सौंपने की भी मांग की गई है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर आज हाईकोर्ट में 6 अलग अलग विभाग अपना स्टेटस रिपोर्ट देने जा रहे हैं। इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सभी 250 वार्ड्स के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव आज मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। इस सीट पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाने हैं और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राज्य बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा अगला बजट युवाओं, छात्रों और बच्चों के लिए होगा। आज महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 67वें दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की ये यात्रा 22 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बीच गुजरात जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। 22 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी नहीं गए थे। एनसीपी